तो दोस्त आज की वीडियो में बात करेंगे स्कोप ऑफ हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। क्या हार्डवेयर में स्कोप है या नेटवर्किंग में स्कोप है, मतलब कंबाइंड जो होता है ना हार्डवेयर नेटवर्किंग की एक जॉब होती है, मैं उसके बारे में बात करूँगा, इसका स्कोप क्या है। तो अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो दोस्त मैं बता दूँ कि दुनिया में ऐसी कोई भी जॉब नहीं है जिसका स्कोप नहीं है। इवन मैं कॉल सेंटर की भी बात कर रहा हूँ। जॉब की अगर बात करोगे ना स्कोप की, तो आपको कॉल सेंटर में भी स्कोप है। क्या उसमें लीड नहीं होते? क्या उसमें मैनेजर नहीं होते? क्या उस कॉल सेंटर को मैनेज करने वाले नहीं होते? क्या उस कॉल सेंटर में वीपी नहीं होते, वाइस प्रेसिडेंट? क्या एसवीपी नहीं होते, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट? क्या सीईओ नहीं होते? हर एक जॉब अपने में एक अलग फील्ड है और अपने में एक अलग मास्टर है। तो मेरे दोस्त डिपेंड ये करता है कि आपके अंदर कितना नॉलेज है, कितना टैलेंट है, आपका एक्सपीरियंस कितना है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है एक पोजीशन पे आने के बाद। अगर मैं बेसिकली यहाँ पे हार्डवेयर नेटवर्किंग को टारगेट करके अगर बोलूँ, तो जी हाँ, इसमें भी आपका स्कोप है, इसमें भी आपका फ्यूचर है। क्योंकि जब आपको 2 साल 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो इसके बाद आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुल जाती हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर डोमेन पे जाना है, जैसे नेटवर्किंग हो गया, क्लाउड हो गया, जूर हो गया, मैंने कई सारे वीडियोस में अपने ये बताया है। और जो दूसरी अपॉर्चुनिटी होती है वो आपके शिफ्ट लीड, साइट लीड या मैनेजर, और उसके बाद जो बाकी प्रोफाइल्स होती हैं वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, कैसे में नहीं बनते यार। डेस्कटॉप सपोर्ट करके भी बंदे वहाँ ऊपर तक जाते हैं। पैन इंडिया मैनेजर, मेरा जो एक्चुअली जिसको मेरी रिपोर्टिंग है ना, पैन इंडिया मैनेजर रिपोर्टिंग है, मतलब कि जितनी भी साइट हैं पैन इंडिया में, वो उतने उन लोगों का वो रिपोर्टिंग मैनेजर है। तो मेरा वो रिपोर्टिंग मैनेजर है इसके बाद, और वो भी यहीं से उठ के ही गया है डेस्कटॉप सपोर्ट। मैटर नहीं करता क्या आज आप कहाँ काम कर रहे हो, किस प्रोफाइल पर काम कर रहे हो। मैटर ये करता है कि आपने कितना नॉलेज लिया है, कितना सीखा है, और आपके पास जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो सिमिलर प्रोफाइल का या डिफरेंट प्रोफाइल का है। तो दैट्स अ पॉइंट, ये मैटर करता है आपके लिए। लेकिन मैं बात करूँ हार्डवेयर नेटवर्किंग में, यस स्कोप है कि हार्डवेयर नेटवर्किंग में फिर आपको एक ऐसा स्कोप मिलता है जहाँ पर आपको 32 तरीके के दरवाजे खुल जाते हैं। क्योंकि जब आप इसका इनिशियल नॉलेज ले लेते हो ना, और इनिशियल एक्सपीरियंस हो जाता है आपका स्टार्टिंग में, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। क्लाउड, लिनक्स, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, आईटी सिक्योरिटी, मतलब बहुत सारे आपको इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं। तो एक बेस्ट है अगर आप करना चाहो तो। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कॉल सेंटर में हो तो आके हार्डवेयर कर लो, आप सॉफ्टवेयर में जॉब करो तो आके हार्डवेयर नेटवर्किंग कर लो, ये नहीं, आपकी चॉइस है। लेकिन जो मेरा ओपिनियन है या जो मेरा लास्ट 4 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो मैंने इस पर शेयर किया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत एंड बी सेफ।